क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले ये भाई, छोड़ो, डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। ये देखिए, अभी इस जगह तक सिंह बहकर आ गई है स्पॉटेड डियर की। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। जैसा कि अभी सामने पीछे की तरफ मेरे इतना अच्छा वेदर हो रहा है, पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत और पहाड़ियों पे बनता हुआ ये कुछ क्लाउड फॉग। गाइस कुछ इसी तरह आप लोगों की ज़िंदगी भी खुशनुमा अभी चल रही होगी। तो अभी फाइनली है क्या कि मैं आया था कोसी रिवर की तरफ, और आप चेक कर सकते हैं मेरे बैक साइड में कोसी रिवर का ये सुंदर सा नज़ारा गाइस, जो कि अभी ना मन में एक अलग ही उत्साह जोश पैदा कर रहा है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, जिसे कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो अभी ना पूरा फील आ रहा है गाइस कि देवभूमि इतनी खूबसूरत है हमारी, जिसे मतलब जितना देखो ना गाइस उतना ज़्यादा देखने का मन करता है। और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे इस जगह से देखने को मिलते हैं ना, तो उससे तो फिर मन एकदम काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है गाइस। और साथ ही आपको पता ही है जिस जगह पे अभी मैं हूँ ये कोसी रिवर का साइड है। और जैसा कि इस तरफ में इधर की तरफ में गांव मेरा सुंदरखाल गाइस, तो सुंदरखाल और कोसी रिवर के बीच अभी मैं हूँ। है क्या कि थोड़ी शाम का समय हो गया है, और आपको पता है शाम के समय हमें क्या चीज़ देखने के लिए गांव के आउटसाइड या कोसी रिवर की तरफ आना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी इस जगह तक लेकर आई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। बाकी उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपको आप जिम कॉर्बेट से या सुंदरखाल ब्लेस से गाइज कुछ अच्छा अच्छा क्लाउड और ये मौसम का सुंदर सा नज़ारा गाइज देखने को मिलेगा। साथ ही जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल है गाइज वाइल्ड लाइफ को लेकर, वाइल्ड लाइफ पे मेरा मोस्टली फोकस होता है। और साथ ही थोड़ी अपनी गांव की जो लोकल लोगों की एक्टिविटी है या थोड़ी हेल्पफुल कुछ वीडियो आए, तो उस तरह के कंटेंट भी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूँ। तो अभी है क्या ना कि मुझे कोसी रिवर पे आने को मिला, और मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा क्लाउड आ रहा है सामने की तरफ, है ना, काफ़ी प्यारा। और एक चीज़ आपको बता दूं, आपने अगर नोट किया हो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं पुराने, जो मेरे व्यूवर्स हैं मतलब, तो उन्होंने देखा होगा कि मैं कई बार कोसी रिवर की तरफ आता हूँ, और जिस जगह पे अभी पानी बह रहा ना गाइस इस जगह पे नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं पानी, पूरी तरह से सूखा एकदम रोखड़ वाली जगह, एकदम पत्थर ही पत्थर दिखाई देता है। और जो मेन रिवर है इस पहाड़ी के जस्ट नीचे बह रही है, तो वहाँ जाकर हमें पानी के दर्शन हो पाते हैं या पानी उस जगह पर जा कर के दिख जाता है। बट अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही है ना, तो बारिश होने की वजह से गाइस अभी आप चेक कर सकते हैं सामने कोसी रिवर का कुछ हिस्सा इस छोर आ गया है, और अभी मैं कुछ इस तरह की जगह पर खड़ा हूँ, है ना। ये देखिए, तो इस हाइट तक पानी का लेवल आता है, बट अभी है क्या कि एक हफ्ते की बारिश है, और ये भी कंटिन्यूसली एक हफ्ता नहीं हुई है, एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ कर के, और वो भी कोई कभी आधा घंटा कभी एक घंटा इस तरह की बारिश हुई है, उसके बावजूद पानी कुछ इस तरह से निकल कर आ गया है। तो आपको ना ये चीज़ें थोड़ी अपडेट करनी थी कि कोसी रिवर का पानी अपने जो पहले की पोजिशन में था, जिस तरह का पानी का लेवल डाउन था ना, उसके अकॉर्डिंग अभी कोसी का लेवल भी ऊपर है और पानी भी कुछ ज़्यादा मात्रा में इस जगह पे देखा जा रहा है। तो अभी जंगलों में भी था क्या कि पानी के जो स्रोत थे वाइल्ड एनिमल्स के लिए,
वो पूरी तरह से सूख गए थे और पानी उन्हें मिल पाना हो पा रहा था काफ़ी ज़्यादा कठिन गाइस। तो अभी जंगलों में भी जगह जगह पे पानी के तालाब बन गए हैं और वाइल्ड एनिमल्स के लिए पानी का जो फुल फिल अप था ना गाइस, वो आई थिंक कि जंगलों में हो चुका है और जंगली स्रोत भी खुल चुके हैं और बरसाती नाले तो ऑब्वियसली आ ही चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। और तो अभी है क्या कि मेरा प्लान है इस जगह पे थोड़ी इस मौसम को इंजॉय किया जाए और फिर फाइनली जाया जाए गाइस अपनी बेस्ट लोकेशन की तरफ जो कि गांव का आउटसाइड है, तो उस तरफ चलेंगे। उससे पहले थोड़ी देर में इस जगह पे बनना चाहता हूँ। पूरा का पूरा गाइस अभी मैंने आपको अपने इस जगह से 360 व्यू दिखा दिया है। कुछ इस तरह का क्लाउड बन रहा है और पहाड़ियां लग रही हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर। सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई चीज़ लग रही है तो मुझे लग रहा है ये हिस्सा, जो कि ये हिस्सा है गाइस हार्ट शेप में। तो अभी इस जगह पे जो क्लाउड बन रहा है ना, वो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा प्यारा। अदरवाइज़ क्लाउड तो पूरी तरह से सभी जगह में है, बट जो चीज़ें हैं ना देखने के लिए, जिसे मन कर रहा है मतलब बार बार देखने का, तो वो है ये जगह। तो गाइस चलो चलते हैं थोड़ी गांव के आउटसाइड की तरफ और कुछ इन सावन के पेड़ों के रास्ते मैं अभी जा रहा हूँ। थोड़ी जंगल सा हो रहा है बट अभी है क्या कि विजन है इस जगह पे तो चल पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अभी है क्या कि इस जगह से ना रात के समय काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स की एक्टिविटी देखी जा रही है और रात में बहुत ज़्यादा कॉल भी हो रही है। कुछ इस तरह की झाड़ियों से अभी मैं निकल रहा हूँ। इस जगह से जो अभी सुनने में आ रहा है गाइस, वो आ रही है यहाँ से बर्ड्स की आवाज़ और थोड़ा बहुत कोसी रिवर की जो आवाज़ है वो। बाकी अभी मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है और चीज़ें तो अभी कुछ देखने को नहीं मिल रही हैं। क्या पता आउटसाइड से कुछ एनिमल्स की एक्टिविटी देखने को मिल जाए, तो वो देखते हैं। बाकी थोड़ी देर रुकेंगे क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, तो आपको एक झलक दिखाता हूँ गांव के आउटसाइड की। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ उस तरफ और उम्मीद है कि आप ज़रूर कंटेंट में बने रहेंगे गाइस। तो ये कुछ रास्ता मिल गया है, इस रास्ते से चलते हैं गांव के आउटसाइड की तरफ। और इस जगह पे आगे की तरफ बरसाती नाला, जो कि पनौत के बड़े नाले का ये पानी इस जगह पे है। और यहाँ से गांव का जो आउटसाइड है गाइस, वो देखने को मिल जाता है। अभी तो शांत नज़र आ रहा है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स की एक्टिविटी इस जगह से भी नहीं देखने को मिल रही है।
अभी है क्या कि बारिश हुई है ना, तो बारिश की वजह से इस जगह पे वाइल्ड एनिमल्स के जो पग मार्क हैं वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मैं आपको दिखा देता इस जगह से रात के समय कितनी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स की इस जगह पे मूवमेंट हो रही है और रात भर में कैसी कॉलें इस जगह से आ रही हैं। तो हो सकता है कि आपको मैं इस कंटेंट में आज रात का कुछ अगर वाइल्ड एनिमल्स की हलचल हुई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आ चुका है पानी पनोत के नाले से, जिम कॉर्बेट के फॉरेस्ट से। कुछ पैरों के निशान इस जगह पे हैं, बट ये ना बारिश की वजह से पूरी तरह से मिट चुके हैं। थोड़ा बहुत कुछ पग मार्क देखने को मिल रहे हैं जो कि धुले हुए हैं बारिश से। देख रहे हैं मौसम कितना एकदम सुहाना हो रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा एकदम खूबसूरत। पानी जगह जगह अभी देखा जा रहा है, जितने भी बरसाती नाले हैं ना इस जगह पे, वो सभी नालों में अभी पानी आ चुका है। तो चलो मैं कर लेता हूँ थोड़ी इस नाले को क्रॉस और फिर थोड़ी देर आगे और चलते हैं, फिर देखते हैं अगर यहाँ से वाइल्ड एनिमल्स निकल कर आता है तो उन्हें, अदरवाइज फिर चलेंगे गांव के क्रिकेट ग्राउंड में। यहाँ तक ये देखिए पनोत का जो बड़ा नाला है ना गाइस, इस जगह तक जहाँ पे ग्रास देखने को मिल रही थी, अभी इस जगह तक पानी चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस जगह पे पानी के साथ में जो पत्ते मिट्टी बहकर आई है ना वो देखी जा रही है। सामने कुछ पेड़ उखड़ कर आए हैं जो कि क्रैक्टस हैं और इधर की तरफ अभी पूरी तरह से शांत है, बर्ड्स की साउंड तो सुनने को मिल रही है। मगर जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इस जगह पे ना जिम कॉर्बेट में नहीं भी तो गाइस 500 बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं और 200 बर्ड्स इस जगह पे हर सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट होकर आती हैं और कुछ अभी नई बर्ड्स जिम कॉर्बेट में जुड़ चुकी हैं जिनकी संख्या है 4 और जो कि आज से पहले जिम कॉर्बेट में नहीं देखी गई हैं। तो बर्ड्स लवर के लिए अभी ना काफ़ी अच्छी अपडेट है जिम कॉर्बेट से कि इस जगह पे बर्ड्स की साइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और चीज़ें देखने को मिल रही हैं। गांव की साइड अगर आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह का गांव की तरफ का ये नेचर बना हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है गाइस, और घास फूस तो काफ़ी ज़्यादा अभी इस जगह पे हो चुकी है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा है ना पनोत के बड़े नाले में कि जब पानी आ रहा है जंगल से तो कुछ इस तरह के पेड़ पौधे भी उखाड़ के अपने साथ लेकर आ जा रहा है। अब ये पेड़ कहाँ से आए हैं उखड़कर ये तो नहीं पता, बट हाँ जो दिख रहे हैं वो हैं सामने कुछ इस तरह के पेड़। आज से पहले भी आपको ये जगह दिखाई गई है बट इस जगह पे आपने इस तरह के पेड़ नहीं देखे होंगे जो अभी इस जगह पर देखने को मिल रहे हैं। रिवर साइड का नज़ारा और ये कुछ शाम का अभी माहौल गाइस। तो बनते हैं थोड़ी देर इस जगह पर और देखते हैं कि क्या जंगल अभी हमें दिखाता है गाइस। सामने की तरफ से ना कॉल हो रही है,
बट काफ़ी ऊपर है मेन सड़क की तरफ। तो अभी लगता है कि हाँ इंतज़ार करना चाहिए, शायद अभी जंगल से वाइल्ड एनिमल्स निकल कर आ रहे हों। अभी ना मुझे एक चीज़ देखने को मिली है, और वो मिली है इस जगह पे स्पॉटेड डियर की सिंग। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, जो कि इस पानी के बहाव में बहकर आई हुई है। ये देखिए अभी इस जगह तक सिंग बहकर आ गई है स्पॉटेड डियर की। है क्या कि गाइस इस जगह से ना किसी तरह की वाइल्ड एनिमल्स की एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। काफ़ी देर इस जगह पे मैं इंतज़ार कर चुका हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना चला जाए क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, क्योंकि अभी फिर से बारिश की बूंदें आना स्टार्ट हो चुकी हैं और बारिश आज पता नहीं क्या चाह रही है, थोड़ी देर निकलने दे रही है और फिर से बारिश का मौसम बन जा रहा है। तो चलो अभी चलते हैं वापस क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। तो अभी ना क्रिकेट ग्राउंड का कुछ इस तरह का नज़ारा है, जो कि काफ़ी सुंदर महसूस हो रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा। और कुछ इस जगह पे अभी बच्चे भी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस मौसम को। है क्या कि अभी ना बारिश होने लगी, तो अभी मैं इस जगह से चल रहा हूँ वापस घर की तरफ गाइस। तो फाइनली गाइज अभी मैं आ चुका हूँ गांव के आउटसाइड, जैसा कि इस जगह पर इधर की तरफ है प्लांट, तो प्लांट की साइड में आ गया था, क्योंकि मुझे जब मैं गांव के आउटसाइड में गया था ना, तो इस साइड से थोड़ी वाइल्ड एनिमल्स की कॉल सुनने को मिल रही थी। सो अभी मैंने मूव किया इस जगह पर, और अभी कुछ इस तरह आप चेक कर सकते हैं पानी पर बारिश की बूंदें। तो अभी बारिश भी होना हो चुकी है स्टार्ट, तो अब इस जगह पे भी रुकना सही नहीं है। तो गाइस फाइनली मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में, और जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।